10 रुपए के 4 छोले भटूरे, 10 रुपए के 4 छोले भटूरे, सस्ता भी 4 थी। सो दिल्ली वालों ध्यान से देखो, 10 रुपए के 4 भी मिलते हैं कहीं कहीं पे, सिर्फ 30 रुपए के 2 नहीं मिलते हर जगह पे। और पूरी 1 रुपए की नहीं, 1.25 रुपए की होती थी। अच्छा, 10 रुपए की 5 पूड़ियां देते थे। अरे भैया, आज खूब खा रहे थे भीड़ लगाकर। आईटी कॉलेज हमारे बराबर में, यहाँ की बहुत सारे लोग आते थे खाने पीने। हेलो गाइज एंड वेरी वेलकम टू द न्यू वीडियो फॉर डनिया। दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ मुरादाबाद। द रीज़न बीइंग मुझे अपना ये प्लास्टर कटवाना है आज, तो डॉक्टर से आज बिल्कुल आखिरी मीट होने वाली है आई थिंक, उसके बाद भी लेकिन 1-2 हफ्ते लगेंगे साथ को सही होने में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना संडे आने वाला है, आप लोगों के लिए एक प्यारी सी वीडियो बना दी जाए। तो मैं यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस पे जा रहा हूँ, जिन्होंने अपनी शुरुआत करी थी 10 रुपये के 4 छोले भटूरे बेचने से, और आज वो बेचते हैं छोले भटूरे, पूड़ी और खस्ता सब कुछ। फेमस रोड है यहाँ पे एक साई मंदिर रोड, वहाँ पे इनका ठेला लगता है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इनके पास चलते हैं, इनसे बातें करते हैं और आपको बताते हैं कि इनके छोले भटूरे और पूरी टेस्ट में कैसे हैं। हमारे संग भैया ठेले के ओनर। भैया आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सर्व करते हो? एक तो भटूरे हो गए आपके, और छोले भटूरे हो गए, तो हाँ पूरी हो गई, ठीक है, खस्ता हो गई, और ये लाइक तीनों चीज़ों की प्लेट कितने रुपए की है? मात्र 20 रुपए की प्लेट है। 20 रुपए की प्लेट, 20 रुपए में 3 होती है। अच्छा, 20 रुपए में 3 भटूरे हैं, 3 खस्ता होती है, 3 खस्ता, और पूरी कितनी है? पूरी 20 रुपए में 4 होती है। पूरी 4 है। अच्छा बढ़िया भैया, तो हमारे लिए भैया एक प्लेट भटूरा लगा दीजिए और एक प्लेट पूरी की लगा दीजिए, ठीक है? सो गाइज हमारे पास ये रही आलू की सब्जी, और ये है हमारे पास आलू की सब्जी और छोले मिक्स। इसके साथ हमें मिले हैं 20 रुपए में 3 भटूरे, आप देख सकते हैं। अचार मिला है और प्याज भी मिली है, और साथ ही साथ अचार और भी मिला है, और ये हम लोग को मिली है 4 पूड़ियाँ, ये भी 20 रुपए की प्लेट है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको टेस्ट करके बताते हैं। सबसे पहले एक पूड़ी का गस्सा तोड़ते हैं। ये मैंने पूड़ी का एक बाइट लिया, इस पर हल्की सी प्याज लगाई, और ये गया मेरा आलू की सब्जी के अंदर। हाँ हाँ, ये देखिए गस्सा, आइए इसे खा के बताते हैं आपको टेस्ट। मिर्ची थोड़ी हायर साइड पे है, बट पूड़ी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आपकी मुंह में जाके घुल रही है बिल्कुल। 20 रुपए में आई थिंक इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कहीं पे भी, जहाँ पे आपको 4 पूड़ियाँ प्याज और अचार मिल रहा है, वो भी सब्जी आप दोबारा भी ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ती है। सो ओवरऑल अगर रेटिंग की बात करें इस पूड़ी की, तो मैं रेट करना चाहूँगा 4 out of 5। मुझे पूड़ी अच्छी लगी पर्सनल लेवल पे, तो मैं एक बाइट और लेता हूँ आप लोगों के लिए, ये हल्के से अचार वाले प्याज के साथ, और ये अच्छा, इन्होंने इसमें भी आलू की सब्जी में हल्के से छोले मिक्स कर रखे हैं। नाइस, अगली बारी आती है भटूरों की। भटूरे जो हैं इनके थोड़े से क्रंची से हो रहे हैं, तो ये एक बाइट तोड़ा, इस पर लगाई हल्की सी प्याज, बंद किया, और जब ये सारे के सारे ही छोले और वो हैं, तो आइए एक संग ही खाते हैं हम। हाँ हाँ, भटूरे भी अच्छे हैं, बट अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे पूरी ज़्यादा अच्छी लगी, और ऐसा बहुत रेयर होता है कि मुझे पूरी ज़्यादा अच्छी लगती है। पर्सनल व्यू है आप मेरा खुद का, आप लोगों को हो सकता है शायद भटूरे ज़्यादा अच्छे लगें। 20 रुपए में 3 भटूरे आई थिंक कहीं नहीं मिलते हैं। मैं चाहूँगा एक बार आपको और क्लोजअप दिखाना है इस चीज़ का, भटूरे का। ये भटूरा देखिए, क्रंची वाला भटूरा है थोड़ा सा, ये हमने इस पर लगाई सब्जी बिना अचार और उसके, टेस्ट करने के लिए। इस बाइट में मुझे थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट आया भटूरे का। तो अगर भटूरे की रेटिंग की बात की जाए, इस 3.5 out of 5, और पूरी यहाँ पे विनर है विदाउट एनी डाउट। बट गाइस अगर आप 20 रुपए की बात करें, आई थिंक इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, भरपेट नाश्ता है ये, और आप आई थिंक भैया का जो ठेला है सुबह ही लग जाता है मुरादाबाद में, साई मंदिर रोड बहुत ज़्यादा फेमस रोड है यहाँ पे, कभी भी आइए आपको खाने पीने की कोई कमी फील नहीं होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।